खंडवा जिले के मानधाता विधायक नारायण पटेल ने शनिवार को संत सिंगाजी मंदिर मार्ग चौड़ीकरण के लिए अपनी शिवराज सरकार से 10 करोड़ 32 लाख की स्वीकृति करवाई है। बता दें कि पूर्व उपचुनाव में मानधाता विधायक नारायण पटेल ने विकास के कई वादे किए थे। विधायक पटेल ने बताया कि एक एक कर किए वादे को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। बहुत समय से सिंगाजी मंदिर पर बने पहुंच मार्ग में आवागमन बाधित होता आ रहा था, जिससे समाधि स्थल पर चार पहिया वाहन से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद ज्यादा होती है। अक्सर दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन बने मार्ग से नहीं गुजर पाते हैं। इसी के चलते मैंने अपनी विधानसभा के सत्र में बजट स्वीकृति के लिए राशि की मांग की, जो मुझे मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझे जल्दी दी। मैंने अपनी विधानसभा के तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर में सोलर प्लांट स्थापना के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश की नई सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चौथी बार जो सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, उसमें मेरे अपने मानधाता विधानसभा क्षेत्र का बड़ा ध्यान रखा गया है। अभी दो रोज पहले जो बजट पास हुआ है मध्य प्रदेश का, उसमें मेरे अपने क्षेत्र के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, जितने भी कैबिनेट के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ सारे लोगों ने मेरे अपने क्षेत्र पर बड़ा ध्यान दिया। आज की सौगात हम लोग लेके आए हैं। चुनाव में या इससे पहले भी संत हमारे सिंगाजी महाराज जो 500 वर्ष से अखंड प्रज्वलित दीप प्रज्वलित चल रहा है, हमारे क्षेत्र के लोग बड़े मानते हैं और पर्वों पर बड़ी भीड़ लगी रहती है। जनता आस्था का केंद्र होने के कारण बड़ी संख्या में जन सैलाब आता है। इसको मुद्दे जाए अगर देखते हो, हमारी सरकार ने यहाँ पे वन वे एक रोड तो बना हुआ, उसकी साइड में एक रोड और बनेगा जिसकी लागत 10 करोड़ 32 लाख रुपए रहेगी। ये सबसे बड़ी सौगात है। दूसरा, बीड़ से लगाकर मेला स्थल तक 7.5 मीटर चौड़ा अलग से रोड, वो भी स्वीकृत हो गया, उसका काम कुछ ही दिनों में लगना है। ऐसे ही हमारे मेरे क्षेत्र की मैं कहूँ कि संत हमारे ओंकारेश्वर में भोलेनाथ की नगरी में 3,000 करोड़ का सोलर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 600 मेगावाट का है, उसमें 2000 हेक्टर जमीन पानी की और बाहर की लगेगी, वो सौगात भी मेरे क्षेत्र में दी है। उसके लिए भी मैं नई सरकार को धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ मूंदी में महिलाओं बच्चियों के लिए करीब 80 करोड़ की केंद्र की जो स्कूल है सबसे बड़ी, उसमें पूरी सुविधा रहेगी, हमारी बालिका मेरे क्षेत्र की स्कूल में अध्ययनरत जाएगी, उसके काम भी बड़ी गति से चल रहा है और वो स्वीकृति की ओर है। ऐसे ही मेरे दो ब्लॉक आते हैं, किल्लोद ब्लॉक और पुनासा ब्लॉक, CM राइजिंग स्कूल 32 करोड़ की ये दोनों योजना है, 3-3 एकड़ में जमीन लगेगी, ये भी लगभग प्रस्तावित ही है। कुल मिलाकर मेरे अपने क्षेत्र में हजारों हजार करोड़ रुपए प्रदेश की सरकार ने जो बजट में लिया है, इसके लिए मैं हमारे संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर, हमारे सिंगाजी की ऐसी बुद्धि रही है, उनकी कृपा रही है, मेरे अपने क्षेत्र को नर्वस नहीं होने दिया। आज हम लोग पूजा अर्चना करने आए हैं विधानसभा से। जैसे ही मैं रात को आया, मेरा दौरा मेरा आज सिंगाजी महाराज पे, हम लोग मेरे साथियों के साथ मत्था टेकने आए हैं और मैं सिंगाजी महाराज से ऐसी आराधना करूँ कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता और मैं मजबूत रहूं, सरकार मजबूत रहे और काम करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।